Hey guys, welcome back to Techsai, it's Vinisa here. आज मैं आपको रिलायंस के जियो बारकोड जनरेट करने का फास्टेस्ट तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप अनलिमिटेड बारकोड जनरेट कर सकते हैं। आप 30 सेकंड में एक बारकोड जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आप एक घंटे में 120 बारकोड जनरेट कर सकते हैं और आपके पास जियो सिम की भरमार होगी। मुझे पता लगा है कुछ लोग बारकोड बेच रहे हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है नॉक्स ऐप प्लेयर। तो उसके लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना है, यूआरएल में टाइप करना है en.bignox.com। ओपन करने के बाद आपको साइट ऐसे कुछ देखेगी। आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, वर्जन 3.7.3 हो, आपको उस पर क्लिक करना है। आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। अब डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद आपके पास ये exe फाइल होगी। आपको इस exe फाइल को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल देखिए इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। स्टार्ट होने के बाद आपको फर्स्ट इंटरफेस ऐसा कुछ देखेगा। अब आपको बॉटम राइट कॉर्नर पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। आपका फर्स्ट इंटरफेस ऐसा होगा। ये बिल्कुल एंड्रॉयड की तरह है, एक एम्यूलेटर है जिससे कि आप पीसी पे अपने ऐप्स चला सकते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है और जनरल सेक्शन में आपके पास रूट का ऑप्शन है, आपको रूट को एनेबल करना है, ऑन करना है। अब एडवांस्ड में जाना है और उसके बाद परफॉर्मेंस सेटिंग में आपको लो रखना है। अगर आप पीसी पर ये स्लो चल रहा है तो आपको ये सेटिंग सेम रखनी होगी। फ़ोन सेलेक्ट कीजिए, स्टार्टअप सेटिंग में ये सब सेटिंग सेम रख सकते हैं। फ्रेम्स पर सेकंड आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जिससे कि नॉक्स ऐप प्लेयर आपके कंप्यूटर पर स्टेबल रहे। मेरे इस सेटिंग में चल रहा है, सेव चेंजेस, रीस्टार्ट नाउ। ये एक बार रीस्टार्ट होगा। अब रीस्टार्ट करने के बाद आप ऑल सेट हैं। अब आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। अब आपको यहाँ पर जीमेल अकाउंट सेटअप करना है। अब अपना अकाउंट सेटअप कर लीजिए, उसके बाद आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। फिर उसके बाद सर्च करना है माई जियो, आपको लेटेस्ट ऐप यूज़ करना है। अब इस पर इंस्टॉल करें, एक्सेप्ट, अब डाउनलोड होगा। डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कोई भी और ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं आपको वहां पर फाइंड अ स्टोर का ऑप्शन आ रहा है। आपको वहां पर सेलेक्ट सिटी और सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आएगा, तब आपका जियो कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले होम बटन पर जाना है। और यहां पर मैं आपको सैमसंग की A5 की EMI प्रोवाइड कर दूंगा, आपको ये कॉपी करनी है। EMI कॉपी करने के बाद आपको नॉक्स ऐप प्लेयर दोबारा खोलना है, उसकी सेटिंग्स में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पर IMI ऑप्शन आप देख रहे हैं, वहाँ पर आपको ये EMI पेस्ट करनी है। आप इसके लास्ट 7 डिजिट कुछ भी रख सकते हैं। लास्ट 7 में से आप एक चेंज कर सकते हैं, दो चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं फर्स्ट 7 डिजिट चेंज नहीं करने, सेव चेंजेस, ओके। अब आपको माई जियो ऐप के आइकन को क्लिक करके दबा के रखना है और आपको ऊपर ऑप्शन आएगा ऐप इन्फो, आपको ऐप इन्फो पर जाना है। फिर उसके बाद आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करना है। क्लियर डाटा करने के बाद आपको रीसेंट ऐप्स क्लियर करने हैं। अब फिर से माई जियो ऐप ओपन करें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट स्टेट एंड सेलेक्ट सिटी, आपको सेलेक्ट स्टेट करना है। कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, सिटी भी सेलेक्ट करनी है। अब आपके पास फर्स्ट नेम टाइप करना है, लास्ट नेम टाइप करना है और आपका एक मोबाइल नंबर टाइप करना है जो आपके पास अभी है, जिस पर एक OTP आएगा जिसको आपको नीचे फिल करना है। अब नीचे जनरेट OTP पे क्लिक करें। अब आपके पास OTP आएगा, आपके फ़ोन में जो OTP आएगा उसको आपके यहाँ पर एंटर OTP सेक्शन में टाइप करना है। OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जियो कोड जनरेट हो गया है। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन कोड तो आपको लेकर जाना पड़ेगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है।
आपका कोड जनरेट है और आपको डन करना है। अब आपका जियो कोड यहाँ पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं आपका जियो कोड आपके माई जियो ऐप पर शो हो रहा है। अब आपको अगर दूसरा जनरेट करना है तो सेम स्टेप्स हैं, आपको सेटिंग में जाना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, IMEI नंबर का कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लास्ट 7 डिजिट फुल चेंज कर दीजिए या फिर 1-2 डिजिट चेंज कर दीजिए। आपको सेव चेंजेस पर करना है, ओके करना है, बंद करना है इसको, माई जियो ऐप की ऐप इन्फो पर जाना है, उसके बाद क्लियर डाटा करना है, फिर रिसेंट ऐप क्लियर करनी है, माई जियो ऐप दोबारा से ओपन करना है। अब आप फिर से देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टेट एंड सिलेक्ट सिटी, अब दोबारा से सिलेक्ट स्टेट करें, कोई भी कर सकते हैं, सिलेक्ट सिटी करें, फर्स्ट नेम टाइप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लास्ट नेम भी कुछ भी कर सकते हैं, और आपका नंबर भर दीजिए। जनरेट OTP करने के बाद आपका फिर से एक OTP आएगा, आपको OTP फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं आपका सेकंड बारकोड भी जनरेट हो गया है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट के लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना है, अब आपको डन करना है। अब देख सकते हैं आपने कितनी आसानी से बारकोड जनरेट कर लिए। अब आपको इन बारकोड को असेस करने के लिए आपको आपके माई कंप्यूटर में जाना है, लोकल डिस्क C में जाना है, फिर यूज़र्स में जाना है। अब आपको आपके PC का यूज़र नेम नेम का एक फोल्डर पड़ा होगा, आपको ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नॉक्स शेयर नाम का फोल्डर है, उसके बाद आपको इमेज फोल्डर में जाना है। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 स्क्रीनशॉट हैं, ये मेरे अभी के जनरेट किए बारकोड हैं। आप बैक जाकर देख भी सकते हैं कि यही बारकोड थे, कूपन कोड मैच कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये दोनों बारकोड मैंने अभी जनरेट किए हैं और इनको 30 सेकंड भी नहीं लगे एक बारकोड जनरेट करने में। तो आप एक बात और अगर आप नॉक्स ऐप प्लेयर में रूट एसेस अनेबल नहीं करेंगे तो आपको ये दोनों बारकोड का स्क्रीनशॉट यहाँ इस डायरेक्टरी में नहीं मिलेगा, इसलिए मस्ट है कि आप रूट एसेस पहले दे दें और बाद में बारकोड जनरेट करें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे फास्ट आप नहीं जनरेट कर सकते, ये सुपर फास्ट तरीका है बारकोड जनरेट करने के लिए, और आप इससे अनलिमिटेड बारकोड जनरेट कर सकते हैं, बस आपको IMEI नंबर चेंज करना है और बारकोड जनरेट करना है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जिनको बारकोड की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बारकोड बिक रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।